बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक तरफ बीजेपी आलाकमान ने अपनी कमर कस ली है, तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ही बीजेपी की परेशानी बढ़ा दी है। जी हां, चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं ने ऐसी मांग कर डाली है जो बीजेपी के माथे पर शिकन लाएगी, साथ ही विपक्ष को भी घेरने का मौका देगी। देश में मौजूदा हालात को देखते हुए विपक्ष लगातार बिहार विधानसभा चुनाव टालने की मांग कर रहा है, लेकिन बीजेपी अपना सियासी फायदा देखते हुए विपक्ष की अपील को नजरअंदाज कर रही है। यहां तक कि नेता तो धुआंधार प्रचार में भी जुट गए हैं। सत्तारूढ़ पार्टी को लोगों की फिक्र नहीं है, वो सिर्फ प्रचार में लगी है। ऐसे में पार्टी के ही कार्यकर्ताओं ने विपक्ष की ही हां में हां मिलाते हुए बीजेपी की परेशानी बढ़ा दी है। जानकारी के मुताबिक बिहार बीजेपी के बड़े नेताओं ने केंद्रीय आलाकमान को बताया कि बिहार में हालात चुनाव कराने के लिए अनुकूल नहीं है। बताया जा रहा है कि अधिकांश नेता और कार्यकर्ता बिहार में चुनाव टालने के पक्ष में हैं। इससे पहले बीजेपी ने बिहार के नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच एक ऑनलाइन सर्वे भी कराया, जिसमें इस बात की जानकारी मांगी गई थी महामारी के बीच चुनाव कराया जाना चाहिए या नहीं। बिहार वापस लौटे प्रवासी मजदूरों की क्या राय है? क्या बिहार में चुनाव कराने का कोई वैकल्पिक रास्ता है? बताया जा रहा है कि ज्यादातर नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इस ऑनलाइन सर्वे में बताया है कि बिहार में इस वक्त चुनाव कराने का माहौल नहीं है और ऐसे में चुनाव टाल दिया जाना चाहिए। जाहिर तौर पर बीजेपी नेताओं की ये राय पार्टी के लिए बड़ा धक्का है, क्योंकि पार्टी आलाकमान चाहते हैं कि जल्द चुनाव कराया जाए। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा का चुनाव इसी साल अक्टूबर नवंबर में प्रस्तावित है। अगर राज्य में तय समय पर चुनाव करवाना है तो चुनाव की अधिसूचना सितंबर के दूसरे या तीसरे हफ्ते में जारी करनी होगी। चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग तैयारियां तो करवा रहा है, लेकिन अब भी संशय बरकरार है। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या फैसला होता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।